सो हेलो दोस्तों, मैं हूं ऐसा। स्वागत है आप सबका अपने चैनल बारिश फ्री क्लासेस पे। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले तो जीव विज्ञान का एक हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लाए। जी हां दोस्तों, साइंस का जो बायोलॉजी भाग होता है, ठीक है, उसका हम लोग एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लाए। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन यानी कि ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है। मैट्रिक का एग्जाम जो हुआ है पिछले वर्ष, ठीक है, उसमें पूछा जा चुका है। फिर हम उस क्वेश्चन को लाए क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि रिपीटेड क्वेश्चन होता रहता है 1 साल 2 साल 3 साल के अंतराल में, ठीक है। ये क्वेश्चन संभावनाएँ आ भी सकता है, ठीक है। तो क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को पूरा एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए और क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। पाचक एंजाइमों का क्या कर रहे हैं, ये आगे भी आपको काम देता रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लघु उत्तरीय में पूछता है और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप जान लिए तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर थोड़ा सा भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन के बारे में आए तो आप लिखकर जरूर आइएगा, चाहे वो अति लघु में है, लघु में या फिर दीर्घ में है, ठीक है। तो इसको डिटेल में जानते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे हम क्वेश्चन लाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, पाचक एंजाइमों का कार्य देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है, ठीक है। सबसे पहले छोटा सा कार्य इसका क्या होगा, मेन कार्य तो यही होता है ना, पाचक एंजाइम क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। तो पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसमें विभिन्न ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता रहता है, जो भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन करता है, ठीक है। जो भोजन के विभिन्न क्या करता है, अवयव जो होते हैं उनका पाचन करता है। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं पाचक कौन कौन से है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कौन कौन ग्रंथि है, तो सबसे पहला लार ग्रंथि से कहते हैं, ठीक है। लार ग्रंथि ये टाइलिन एंजाइम स्रावित करता है, ठीक है। लार ग्रंथि टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है, जो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। उसके बाद है जठर ग्रंथि, ठीक है। जठर ग्रंथि क्या कहता है, पेप्सिनोजेन रेनिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित करता है, ठीक है। होता है जो भोजन के पेप्टोन का पाचन करता है, ठीक है। भोजन के पेप्टोन का पाचन करता है, यानी कि कौन से ग्रंथि कौन कौन एंजाइम छोड़ रहा है वो हम इसमें बता रहे हैं, ठीक है। बाकी पाचक एंजाइमों का क्या कार्य, अगर आप इतना भी लिख दिए लघु उत्तरी में तो बहुत है। दीर्घ उत्तरीय के लिए हम थोड़ा डिटेल वाइज बताते हैं, ताकि अगर आप दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ना कितना छोड़ के आप सोचने लगे रहे आप क्या लिखे, इसलिए थोड़ा डिटेल वाइज हम आपको बता देते। तो देखिए, लार ग्रंथि वो कौन कौन स्रावित करता है, तो टाइलिन एंजाइम स्रावित करता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, तो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। वैसे ही जठर ग्रंथि क्या स्रावित करता है, पेप्सिनोजेन रेनिन HCl तथा गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। इतना स्रावित करता है, जो क्या करता है, लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन को प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। भोजन में जो प्रोटीन है उसका पाचन करता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे और है, ठीक है, क्योंकि अगर दीर्घ उत्तरी आए थे इसलिए देखिए यहाँ पे हो गया। वैसे थोड़ा और बढ़े तो यकृत पित्त एंजाइम भोजन में पाचन करता है, यकृत पित्त छोड़ता है, जो एंजाइम भोजन में वसा का पाचन करता है। अग्नाशय अग्नियाशिक रस यानी ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज तथा न्यूक्लियस छोड़ता है, ठीक है। वैसे ट्रिप्सिन हो गया, अब इसके बारे में जानते हैं कि अग्नाशय जो ये सब छोड़ा है ये सब क्या करता है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है, पेप्टाइड्स में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोस शर्करा में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज वसा पर क्रिया करके ग्लिसरॉल में तोड़ता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोराइड्स में बदलता है, ठीक है। इतना डिटेल वाइज बताने का मतलब है कि अगर आप दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन ना गया तब आप कन्फ्यूज नहीं है, पूरा लिख कर आइए, ठीक है। तो देखिए, जो जो बताया है, जैसे कि यहाँ से देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक है। पीछे वाला भी लिखते रहे, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट ये हो गया, आपको ये लिख लेना है, पूरा एकदम याद भी कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इसको आप कॉपी में उतार लीजिए, अभी उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर से देख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लास्ट है ये वाला लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी दो भी लिखते हैं तो भी दीर्घ उत्तरीय के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए।